नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। यूपी चुनाव 2022 में हस्तिनापुर से कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। चुनाव से पहले हस्तिनापुर के लिए अपने विजन के बारे में बात करते हुए अर्चना गौतम ने कहा है कि अगर मैं चुनाव जीतती हूं तो मेरा मुख्य उद्देश्य विकास कार्यों पर होगा। अर्चना ने कहा कि हस्तिनापुर प्राचीन और पवित्र शहर है, इसको पर्यटन के लिहाज से विकसित किए जाने की जरूरत है। अर्चना गौतम का कहना है कि हस्तिनापुर एक पर्यटन स्थल है, यहाँ बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन कनेक्टिविटी की समस्या के कारण लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। विधायक बनने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन का निर्माण करवाना होगा। अर्चना गौतम का कहना है कि अगर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है तो यहाँ अधिक पर्यटक आएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। अपनी वायरल तस्वीरों को लेकर अर्चना गौतम ने अपील की है कि उनके पेशे और राजनीतिक करियर को मिक्स ना किया जाए। अर्चना गौतम ने कहा कि मैंने मिस विकनी 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, मैं मिस उत्तर प्रदेश 2014 और मिस कास्मो वर्ल्ड 2018 रह चुकी हूं। मैं लोगों से अनुरोध करती हूं कि मेरे राजनीतिक पेशे को मेरे राजनीतिक करियर के साथ न मिलाएं। दरअसल अर्चना गौतम एक मॉडल हैं, वे फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। कांग्रेस की ओर से नाम की घोषणा होने के बाद अर्चना की बिकनी में हॉट फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। मेरठ की रहने वाली अर्चना गौतम नवंबर 2021 में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। बीते दिनों प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला प्रत्याशियों की लिस्ट में अर्चना गौतम का नाम भी शामिल किया था। अर्चना को हस्तिनापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है। चुनाव से पहले हस्तिनापुर के लिए अपने विजन के बारे में बात करते हुए अर्चना ने कहा है कि अगर वो चुनाव जीतती है तो उनका मुख्य उद्देश्य यहां पर विकास कार्यों पर ही होगा। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।